दुर्ग जिले के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से बात करना चाहूंगा। एक, आप सभी लोगों के द्वारा ऑलमोस्ट सभी जगह पे धान का फसल कटाई पूर्ण हो चुका है, तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांव के विकास के लिए जो गोठान बनाए हैं और पशु संवर्धन के लिए जो गोठान बने हैं, इन गोठानों में आप ज्यादा से ज्यादा पैरा का दान करिए। पैरा दान का कार्य पुण्य का कार्य है, इसमें आप सभी लोग सम्मिलित हो, ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप सभी लोगों से मेरा कहना भी है कि इसको आप अपने पैरा को अपने खेतों में भी जमा करके रख सकते हैं, ताकि ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी हम लोग इस पैरे को गोठानों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस बार जो गोठानों में वर्मी खाद का उत्पादन हुआ है और जो किसानों से बात हुई है, उसमें पाया गया है कि काफी फायदा, बहुत ज्यादा हद तक फायदा किसानों को हुआ है। इसलिए इस बार भी आप सभी लोग वर्मी खाद का उपयोग करें। अभी जो किसान जो रबी का फसल लेंगे या फिर जो किसान हॉर्टिकल्चर के क्रॉप करते हैं, सब्जी भाजी की खेती करते हैं, उन किसानों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि गोठानों में निर्मित वर्मी खाद का उपयोग करें। किसानों को इसका काफी फायदा हुआ है, इसका उदाहरण पूरे जिले में देखे जा सकते हैं। तो इन दो बिंदुओं पे आज मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस दोनों पहलुओं पे आप सभी लोग विचार करें, ज्यादा से ज्यादा पैरा दान करें और समितियों के माध्यम से वर्मी खाद आप प्राप्त करें और उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।